तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल ऑलरेडी हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं 61 से। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का जितने एमसीक्यू है सारे सॉल्व कर चुके देंगे। तो यहाँ पहला एमसीक्यू पूछा गया है, GATTC रिकॉग्नाइज सिक्वेंस फॉर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो GATTC किस जगह पे कट करता है? GATTC है तो कौन सा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है जो इसको कट करेगा? तो हम लोग जानते हैं GATTC AATTC या GAATTC, ये 5' 3', ये 5', ये 3'। तो इसका जो साइट है कट करने का वो जी और ए के बीच में रहता है, जी और ए के बीच में। और ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है ये इको R1 के लिए है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये इको R1, ये वो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है और ये कट करेगा जी और ए के बीच में। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमसे पूछा है GATTC ये पेरिंड्रोमिक सिक्वेंस इको R1 के लिए है, इसलिए इको R1 के लिए है। किसके बीच में कट करेगा? जी और ए के बीच में। ये हमारा आंसर मैच कर जाता है। ठीक है, तब बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेलिंड्रोमिक सिक्वेंस ऑफ इको R1। तो आपको अभी हमने बोला GATTC, तो ये हो गया पेलिंड्रोमिक सिक्वेंस। हमें पूछा गया है इको R1 के लिए, जो कि स्केरेचिया कोलाई RY13 स्ट्रेन रोमन नंबर 1 जो है उसका नोमेनक्लेचर के बेसिस पे है, किस तरह से डिस्कवर हुआ, किस तरह से नामकरण हुआ। तो हमारा बाकी जो है वो नहीं है, हम पेलिंड्रोमिक बोल सकते हैं, GGATCG ये पेलिंड्रोमिक हो सकता है, मगर ये इको R1 के लिए नहीं है, ये इको R1 के लिए नहीं है। हमारा इको R1 के लिए GATTC, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, बहुत ही कॉमन है। बोला गया है कि बायोलिस्टिक जीन गन इज यूज टू बायो गन। हम लोग अगर बोलेंगे बायोलिस्टिक जीन गन, तो हम लोग बायोलिस्टिक जीन गन के ऊपर कल भी बोले थे कि मान लीजिए एक प्लांट सेल है, अब प्लांट सेल में हम लोग को कोई जीन को इंसर्ट करना है, तो हम एक जीन गन लेंगे जिसके अंदर गोल्ड एंड टंगस्टन का एक पार्टिकल होता है, उसके ऊपर DNA कोट किया रहता है, उसको फायर करते हैं जिससे सेल के अंदर चला जाता है, प्लांट सेल के अंदर। तो बायोलिस्टिक जीन गन क्या करता है? क्या कट करता है डिजायरेबल जीन्स? नहीं, ये कट नहीं करता है। अगर डिजायरेबल जीन्स को कट करना है तो आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसफर रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द प्लांट सेल, क्या ये ट्रांसफर करता है रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द प्लांट सेल? तो ट्रांसफर करता है रिकॉम्बिनेंट DNA, हम रिकॉम्बिनेंट DNA बोल सकते हैं, हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई प्लाज्मिड है या कोई भी DNA है, उसको अगर हमको अंदर डालना है तो हम लोग प्लांट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें कोई भी वेक्टर नहीं चाहिए। रिमूव द जीन इनकोडिंग टॉक्सिक प्रोटीन, क्या हम जीन को रिमूव करते हैं टॉक्सिक? नहीं, ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं है कि हम लोग डिसआर्म्ड कर रहे हैं या टॉक्सिक प्रोटीन को अलग कर रहे हैं या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लिंक डिजायरेबल जीन्स विद द वेक्टर, वेक्टर का मामला यहाँ पर आता ही नहीं है। हम लोग जब भी बोलेंगे ये वेक्टर यहाँ पर यूज नहीं करते, डायरेक्टली जीन गन गोल्ड एंड टंगस्टन जिसके ऊपर DNA कोट रहता है फायर करते हैं, डायरेक्टली सेल के अंदर जाता है। यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं है, ये नहीं है कि कोई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेसेंस या रेट्रोवायरस बोल के कोई ऑर्गेजम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर काइमेग्रिड DNA जो रिकॉम्बिनेंट DNA है उसके लिए वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली इसको। हमारा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सब मैच नहीं किया। चूज द इनकरेक्ट सेट ऑफ प्रोसेस एंड डिस्कशन एलिसाइची बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। इसके ऊपर पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि मान लीजिए कोई यहाँ पर एंटीजन है और यहाँ पर कोई मान लो एंटीबॉडी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है IG, इसके साथ हम क्या करेंगे, एंजाइम को लिंक कर देते हैं। ये जो एंटीबॉडी IG है एंटीबॉडी, इसके साथ हम क्या करते हैं, एंजाइम को लिंक कर देते हैं। अगर एंटीजन हुआ तभी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा, अगर एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट करेगा? अगर रिएक्ट नहीं किया तो एंजाइम एक्सप्रेस भी नहीं करेगा। अगर ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तभी ये एंजाइम एक्सप्रेस करेगा। इस फेनोमेनन को बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे,
इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। पीसीआर यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन एड्स पेशेंट, अगर किसी के बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में जर्म्स है तो हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर के हेल्प से उसको बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं। जैसे हम कोरोना के केस में एक एमसीक्यू डिस्कस किए थे कि हम कोरोना अगर मेरे बॉडी सस्पेक्ट है तो हम लेकर सैंपल लेकर नोज या स्वाब टेस्ट जो भी ले रहे हैं उसको लेकर आरटीपीसीआर करके बहुत सारे कॉपी बनाते हैं। तो हम लोग यहीं पर आरटीपीसीआर यूज टू डिटेक्ट एचआईवी, अगर कम है बॉडी में तो हम उसको बहुत सारा अमाउंट बढ़ाकर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेक्शन का तरीका पीसीआर या एलिसा जो हम लोग बोलते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट होता है, ये पहला दो स्टेटमेंट राइट है। तीसरा बोला गया कि आरएनए इंटरफेरेंस मेथड फॉर सेलुलर डिफेंस बाय ऑल प्रोकैरियोट्स, अगर यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की जगह यूकैरियोट्स लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट चला जाता, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ऑल प्रोकैरियोट्स रॉन्ग है, ऑल प्रोकैरियोट्स नहीं होता, सिर्फ यूकैरियोट्स का डिफेंस मैकेनिज्म होता आरएनए इंटरफेरेंस। ओके, आरएनए इंटरफेरेंस। ट्रांसजेनिक एनिमल एनिमल कैरी सम एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, मान लीजिए कोई काऊ है, एक काऊ है रोजी बोल के काऊ है, काऊ में अगर ह्यूमन का अल्फा लैक्टो एल्बुमिन अगर जो प्रोटीन है अगर उसके रिलेटेड अगर जीन में डाल दो काऊ में तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसजेनिक काऊ हो जाएगा, वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाएगा, है ना। तो कोई भी रैट में भी हम लोग डाल सकते हैं, कोई भी एनिमल्स में जो उसका जीन नहीं है, जैसे ह्यूमन का या दूसरे एनिमल्स का जीन अगर उसमें डाल देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो कैरी करता है फॉरेन जीन, मतलब उसका जीन नहीं किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन है, तो हम इसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ये बोला गया इनकरेक्ट, हमसे पूछा गया था यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है, तो आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोट्स में मिलता है प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता, यही हमारा रॉन्ग है, इसलिए हमारा इनकरेक्ट आंसर चेन्नई हुआ क्योंकि हमारा ए बी और डी तीनों राइट है। पूछा गया कि स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट कम्प्लीमेंट्री टू द थ्री प्राइम एंड सीक्वेंस ऑफ डीएनए टू बी एम्पलीफाइड। ये कल भी मैं एक आपको पोर्शन पढ़ा रहा था कि 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर एक डीएनए स्ट्रैंड्स को हमने डीनेचुरेशन करके अलग कर दिया है, हम जानते हैं कि पीसीआर में 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं जिससे ये डीएनए सेपरेट हो जाता है। अब होता क्या है कि ये जो डीएनए है इसका कम्प्लीमेंट्री कॉपी यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, कम्प्लीमेंट्री कॉपी जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पर भी ये 3 प्राइम एंड में ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट इज कम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ जो भी सीक्वेंस होगा उसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा, इसका जो भी सीक्वेंस होगा उसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ होगा, किस प्राइम पे, 3 प्राइम एंड सीक्वेंस पे। तो हम लोग जब ये प्राइमर ऐड हो जाएगा तो बाद में इसके बाद हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे जिससे हम लोग एक डीएनए से 2 डीएनए बना सकते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से। तो मगर मुझे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो ऐड करते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्राइमर, हमें बोलते हैं प्राइमर, तो हमारा लिंकर आंसर नहीं हुआ, हमारा आंसर हो गया प्राइमर, प्लाज्मिड भी नहीं अडेप्टर भी नहीं। ओके, हमसे पूछा गया है कि एज कंपेयर टू ए नॉर्मल एनिमल्स हाउ वुड ए ट्रांसजेनिक एनिमल कंपेयर विथ रेस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टॉक्सिन व्हेन यूज टू केमिकल टेस्टिंग। देखिए यहाँ पर मुझे एक कंपेयर करना है नॉर्मल एनिमल्स को, कंपेयर टू ए नॉर्मल एनिमल हाउ वुड ए ट्रांसजेनिक, एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कंपेयर करना है विद रेस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी, जो टॉक्सिन है कोई भी टॉक्सिन है उससे उस एनिमल को एनिमल के बॉडी में चेक करना है कि वो रिएक्ट करता है कि नहीं, मतलब उस एनिमल को मोर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, अगर कोई जर्म कोई भी चीज़ अगर टॉक्सिन चीज़ों को टेस्ट करना है तो हमें बनाना पड़ेगा कि क्या वो एनिमल जल्दी से जल्दी उसका बॉडी रिएक्ट करता है कि नहीं, क्या बॉडी सेंसिटिव है कि नहीं। तो वेन यूज फॉर केमिकल टेस्टिंग तो एक बोला गया लेस सेंसिटिव, नहीं, अगर लेस सेंसिटिव है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स तो लेस सेंसिटिव में पता कैसे चलेगा, हमें चाहिए कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल एक्सप्रेस करे, जल्दी से जल्दी बता दे टॉक्सिन के बारे में, अगर लेस सेंसिटिव होगा तो कैसे होगा, हमें चाहिए सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टॉक्सिन। तो अगर वो ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा तभी मुझे उसका रिजल्ट ठीक से पता चलेगा, तो हम लोग लेस सेंसिटिव नहीं बोलेंगे, हायर सेंसिटिव बोलेंगे, सिमिलर नहीं चलेगा, हमें नॉर्मल से ट्रांसजेनिक एनिमल को मोर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा।
मोर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो मुझे रिजल्ट पता चलेगा उस टॉक्सिन सब्सटेंस का। तो ट्रांसजेनिकली में नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड नहीं है, हम ऐसा एनिमल बना रहे हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक एनिमल्स ऐसा नहीं, टॉक्सिक सब्सटेंस से जल्दी जल्दी रिएक्ट करे या जल्दी जल्दी रिजल्ट शो करे। तो होने से नहीं, लेस होने से नहीं होगा, सिमिलर होने से नहीं होगा, नॉर्मल के कंपैरिजन में ट्रांसजेनिक को मोर सेंसिटिव होना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन आर एन ए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग द एम आर एन ए नेमाटोड इन्फेक्टिंग ए प्लांट। जैसे एक नेमाटोड का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा, जो टोबेको के रूट में टोबेको को प्लांट टोबेको को नुकसान पहुंचाता है, मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा। तो अगर मैं बोलूँ कि इस आर एन ए इंटरफेरेंस को ब्लॉक करना है तो हमें लेना पड़ेगा ये डबल स्टैंडर्ड आर एन ए, हमें एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए लेना पड़ेगा जो कि एक डिफेंस का तरीका होता है, और इसमें से दो डीएनए बनता है, एक होता है एंटी सेंस और एक होता है सेंस। इस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है, स्मॉल इंटर आरएनए, ये जो हम लोग एंटी सेंस बोलते हैं, रिस्क हम लोग बोलते हैं, जो क्या करता है, जो स्पेसिफिक एमआरएनए है, जो भी स्पेसिफिक एमआरएनए, अगर मैं कोई एमआरएनए बोलूँ, स्पेसिफिक एमआरएनए जो प्रोटीन को कोड करता है, जो प्रोटीन को कोड करता है, अगर ये आरएनए इस एंटी सेंस आरएनए के साथ कंबाइन कर जाए, देखिए आरएनए क्या हो गया सेंस, और एंटी सेंस हो गया, एंटी सेंस हो गया इसका कंप्लीमेंट्री, ये दोनों अगर आपस में जुड़ गए तो ये आरएनए ब्लॉक हो जाएगा, ये आरएनए ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एमआरएनए नेमाटोड स्पेसिफिक जो इंटरफेयरिंग जो कर रहा है प्लांट्स को, अगर नेमाटोड को मारना है, उसके ग्रोथ को रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एमआरएनए का कंप्लीमेंट्री कैप कॉपी जो एंटी सेंस है, एंटी सेंस है, उससे इसको बाइंड करवाना पड़ेगा। मगर मुझे लेना है दोनों ही, अगर मुझे प्लांट सेल में डालना है तो मुझे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के हेल्प से ही कर सकते हैं, जिसका एक स्ट्रैंड मेलाडोगाइन इनकोग्निटा के एमआरएनए के साथ जुड़ेगा और ट्रांसलेशन को रोक देगा। तो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए आंसर होने वाला है, ओके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होने वाला है जो एंटीसेंस एमआरएनए को ब्लॉक करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस, ओके, आरएनए साइलेंसिंग। नेक्स्ट है रोजी। तो पूछा गया है कि रोजी, अभी थोड़ी देर पहले मैं रोजी के बारे में बता रहा था, बोला गया है कि रोजी वाज फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ विच प्रोड्यूस मिल्क कंटेनिंग अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। तो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन रोजी नहीं बनाता, एक्चुअली अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट में काम में आता है, इम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट में, इम्फाइसिमा वही जिससे हमारे लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाता है, सिगरेट स्मोकर जो होते हैं उनको इम्फाइसिमा ज़्यादा होता है। तो यहाँ अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, तो रोजी हम लोग नहीं बोलते, रोजी ऐसे नहीं बनाते हैं अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, हाँ ये जो है ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मिल्क है बेबी के लिए, ह्यूमन के लिए। तो ऐसे जीन्स को हम लोग क्या करते हैं, काऊ के रोजी बोल के जो काऊ है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, जिससे वो जो काऊ है वो ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन बनाए, जो ह्यूमन बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड मिल्क है। तो रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो है, जो मिल्क करता है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं, ह्यूमन इंटरल्यूकिन भी नहीं। तो हमारा आंसर ऑलरेडी ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन आ चुका है। बेसिलस थुरैंजिनेसिस बोल के एक बैक्टीरिया होता है जो क्राइजीन बनाता है, क्राइजीन, और क्राइजीन क्या होता है, क्राई प्रोटीन। हम ऐसे जीन को क्या करते हैं, प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और प्लांट खुद ये क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनाएगा, और जब भी कोई इंसेक्ट खाता है उसके गट पे जाता है, उसके एल्कलाइन पीएच पे प्रोटॉक्सिन जो होता है, क्राई प्रोटीन प्रोटॉक्सिन, वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो इनएक्टिव है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिलस थुरैंजिनेसिस ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है रेसिस्टेंट फॉर, हम लोग बोलेंगे इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट इंसेक्ट, जैसे हम लोग कॉटन बॉलवर्म बोल सकते हैं, कॉर्न बोरर बोल सकते हैं, ऐसे इंसेक्ट टारगेट स्पेसिफिक इंसेक्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीन मिलेगा आपको, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, ओके। तो ऐसे बहुत सारे आपको जीन देखने को मिलेगा जो हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं और वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो हमारा क्राई जो हमारा बोला गया है ट्रांसजेनिक क्रॉप, उसमें इंसेक्ट स्पेसिफिक
बेसिलस थुरिंजिएंसिस, क्राइजिन, क्राइप्रोटीन इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट के अल्कलाइन पीएच जो गट पे है उसके साथ रिएक्ट करके उसको नुकसान पहुंचाएगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन सेल्फ एज ए परमानेंट क्योर टू ओवरकम जेनेटिक डिफिशियंसी, तो हमें बोलना है एक परमानेंट क्योर, एक परमानेंट तरीका जो ओवरकम करता है जेनेटिक डिफिशियंसी। देखिए, हो सकता है कि हमारे बचपन से ही हमारे बॉडी में वो जीन्स ना रहे, हमारे बचपन से ही वो जीन नहीं है, तो हमें वो जीन चाहिए। तो एक हो सकता है कि हम बाहर से वो एंजाइम इंजेक्शन के थ्रू में ले लें, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी हम रिप्लेस कर सकते, मेरे बॉडी में नहीं है। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई भी लिम्फोसाइट्स एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग ले सकते हैं, रेगुलर इंटर बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और बार बार अपने बोन मेरो में ऐसे कुछ लिम्फोसाइट्स को डाल सकते हैं जो ये जीन को जो ये जीन इंजाइम बना सके। ये एक तरीका है, मगर हमें बोलना है परमानेंट क्योर। देखिए, इंजाइम आपको बार बार देते रहना पड़ेगा इंजेक्शन के रूप में, तो ये एक आंसर सही है, मगर ये परमानेंट तरीका नहीं है। पीरियोडिक इन्फ्यूजन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स, ये भी एक तरीका है, बार बार आप दीजिए, मगर ये परमानेंट तरीका नहीं है, टेम्पोररी तरीका है। इसलिए ये स्टेटमेंट राइट है, मगर ये परमानेंट तरीका नहीं है। हाँ, अगर हम लोग बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज, जब अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज था तब अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन उसके बोन मेरो में डाल देते तो वो एक परमानेंट मेथड होता, वो स्टेम सेल के रूप में, मतलब स्टेम सेल के रूप में हमेशा बार बार वो बनाते रहता। तो हम लोग बोन मेरो में जानते हैं स्टेम सेल होता है, अगर बोन मेरो अर्ली स्टेज में, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस कर देते तो हमेशा उसका बॉडी ये एंजाइम बनाते रहता। फंक्शनल जीन इंसर्ट करेंगे आर्म्ड, देखिए आर्म्ड तो हम करेंगे नहीं, जब भी हम करते हैं हम लोग क्या कहते हैं डिसआर्म्ड, रेट्रोवायरस को हम लोग क्या कहते हैं डिसआर्म्ड, उसका हार्मफुल जीन को हटा देते हैं, उसकी जगह अच्छे वाले जीन को डालकर हम लोग फंक्शनल जीन को इंसर्ट कर देते हैं। चलिए, इंसर्ट कर सकते हैं, मगर कब ये मेंशन नहीं किया गया है। अगर बोला जा रहा अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज तो ये एक परमानेंट तरीका है, और बाकी जो भी तरीके हैं वो परमानेंट तरीका नहीं है। देखिए, हम फंक्शनल जीन इंसर्ट कर सकते हैं, मगर कब ये मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स, ये आंसर सही है मगर परमानेंट नहीं है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी, तो ये भी परमानेंट तरीका नहीं है, ये सही है कर सकते हैं। जैसे एक डिफिशेंसी था एडीए डिफिशेंसी, एडिनोसाइन डीएमिनेज, अगर ये एंजाइम नहीं है तो सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी एससीआईडी हो जाता है, जिसे इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसे एडीए डिफिशेंसी में ऐसा सबसे पहली बार इस एंजाइम को दिया गया था, एक 4 ईयर चाइल्ड लड़की थी, अवंती दिसलवा आई थिंक उसका नाम था, श्रीलंका की, तो उसमें यह पहला केस किया गया था। ओके, एडीए डेफिशिएंसी, सीवियर कम्बाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ये एंजाइम नहीं रहने से, तो जीन थेरापी में हम ये तरीका अपनाते हैं। क्या इसको बोलते हैं जीन थेरापी, क्या बोलते हैं जीन थेरापी, मगर आपको अर्ली स्टेज में डालना पड़ेगा, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में ये जीन को डालना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस एज प्रो हार्मोन, ओके, विच ऑफ एक्स्ट्रा स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, दैट इज रिमूव्ड ऑन द मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन। यस, जब इंसुलिन करते हैं तो ये 35 अमीनो एसिड का जो चेन हम देखते हैं ए और बी के साथ जो सी एक्स्ट्रा रहता है उसको रिमूव करना पड़ता है मैचुरेशन। दिस देयर इज डैश बॉन्ड, जब भी हम लोग देखते हैं ए बी या सी के साथ हमेशा डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो हमको यह डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ए बी, ए 31 अमीनो एसिड का, ए 21 अमीनो एसिड का होता है, बी 30 अमीनो एसिड का होता है 51, और सी इसके साथ 35 अमीनो एसिड का और जुड़ा रहता है। ओके, तो हमें सी पेप्टाइड को हटाना पड़ेगा, ए आर पेप्टाइड जो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें रखना पड़ेगा। तो देयर इज डैश बॉन्ड बिटवीन द टू चेन्स इन एक्टिव इंसुलिन, तो एक्टिव इंसुलिन क्या है ए आर बी, इन दोनों के बीच में क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड, और सी पेप्टाइड को हम रिमूव कर देंगे 35 अमीनो एसिड का, तो हमारा आंसर हो गया ए। तो हमने प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बना लिया। मेथड
मेनी पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप आर डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो मेनी पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप जो है डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग से होता है। नाउ कंसीडर फॉलोइंग जीन्स एंड चूज वन ऑफ द कोर्स दैट टॉक्सिक प्रोटीन बीटी टॉक्सिन अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म के लिए हम लोग यूज करते हैं Cry1AC। ओके Cry1। देखिए हम कॉर्न को याद रखने के लिए मैं जैसे याद रखता हूँ, ये वन आ गया, वन ए का अल्फाबेट के हिसाब से वन, ये बी अल्फाबेट के हिसाब से टू, तो हो गया फोर। कॉर्न में अल्फाबेट आते हैं फोर, ठीक है। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ फोर, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। ओके यहाँ पर अगर बोले वन प्लस थ्री, इसमें भी बोले टू प्लस वन प्लस टू, यहाँ पर आ गया फाइव, यहाँ आ गया फाइव। तो एक्चुअली ये होता है कॉटन बॉलवर्म के लिए, ये होता है कॉटन बॉलवर्म के लिए, ये दोनों कॉटन बॉलवर्म के लिए है। और कॉर्न बोरर के लिए होता है Cry1AB, ये Cry1AC, Cry2AB, ये होता है कॉटन बॉलवर्म के लिए। तो हमारा ये आंसर है नहीं, इसके बारे में हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये तीन के बारे में दिया हुआ है। हमारा कॉर्न बोरर का ये हो गया, पहला दो हो गया कॉटन बॉलवर्म। स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर में स्टीयरर जो है जो मिक्स करता हैज बीन डिजाइन टू, क्यों किया गया स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर में जो स्टीयरर होता है जो घुमा, वो क्यों होता है? प्यूरीफाई द प्रोडक्ट, नहीं, प्यूरीफाई करने का काम नहीं करता डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, यह प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करता है। तो क्या करता है, क्या ये एड प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, क्या ये प्रिजर्वेटिव्स एड करता है प्रोडक्ट में? नहीं, ये प्रिजर्वेटिव एड घूमने का काम है, रोटेट करने का काम है, तो ये प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करता है। तो क्या ये इंश्योर करता है एविबिलिटी ओ टू थ्रू आउट द बायोरिएक्टर? यस। इससे क्या होता है कि हमेशा ये रोटेशन चलते रहने से ऑक्सीजन के बबल बनते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई एक्वेरियम है, एक्वेरियम में एक मशीन, एक छोटा सा मोटर लगा रहता है जो हमेशा रोटेट करते रहता है, या कुछ ऐसे मशीन्स होते हैं जो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं जिससे ऑक्सीजन के बबल निकलते रहे, है ना। तो ऐसा जो हम लोग बोलते हैं स्टीयरर, वो हमेशा क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है अवेबिलिटी ऑफ O2 थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर में हमेशा ऑक्सीजन बना रहेगा। ओके जैसे हमने बड़े बड़े एक्वेरियम में ऐसे कुछ डिवाइस लगा देते जो हमेशा रोटेट करते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, मोटर की तरह घूमते रहते हैं, जिसे ऑक्सीजन एनरिच होता है, वैसे ही ऑक्सीजन अवेबिलिटी के लिए हम लोग ये स्टीयरर लगा देते हैं स्टीयरेटिंग बायोरिएक्टर में। हमारा आंसर यहाँ पर मैच कर चुका है, प्रिपेयर RDNA इसके लिए हम नहीं। फर्स्ट क्लिनिकल जेन थेरापी जो अभी थोड़े देर पहले हम ADA SCID के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी किसके किस में हुआ था, तो हम लोग देखेंगे ये 1990 में वो जो फोर ईयर चाइल्ड हम लोग ने बोले थे अवंती डिसिल्वा, उसके बॉडी में किया गया था इन द ईयर 1990 फॉर ट्रीटमेंट ADA डेफिशिएंसी, एडीनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसकी कमी से होता है SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो हमारा ये आंसर मैच करता है, बाकी कोई भी आंसर हमारा मैच नहीं किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ दैट प्रोड्यूस ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, रोजी बोल के वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, रोजी बोल के ट्रांसजेनिक काउ है जिसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन वाला जीन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ट्रांसजेनिक काउ है जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन के लिए बैलेंस्ड मिल्क बनाती है, वो है रोजी। टॉली तो आप जानते हो फर्स्ट क्लोन थी, फर्स्ट क्लोन शीप का फर्स्ट क्लोन। ओके तो हमारा रोजी आ गया। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि GEAC मेक डिसीजन रिगार्डिंग GM रिसर्च इन इंडिया। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है GM रिसर्च को लेके, जो भी जेनेटिक मॉडिफाइड जो रिसर्च चला जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो नेचर में इंट्रोड्यूस करना सही होगा या गलत होगा टेस्ट करती है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी डिसीजन लेती है GM रिसर्च इन इंडिया सही है। गोल्डन राइस बोला गया है इज बायो फोर्टिफाइड विथ विटामिन B12, तो बीटा कैरोटीन का जीन, इसका मतलब विटामिन ए, तो गोल्डन राइस में
फोर्टिफाइड विद विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए एनरिच होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। एल्यूशन इज ए एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए ये एक एगरोस जेल है और यहाँ पर डीएनए लोड कर दिए, तो एगरोस जेल में डीएनए रन करके जाता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, जो उससे बड़ा होगा यहाँ रहेगा, उससे बड़ा यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ओके पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो डीएनए रन करके जा रहा है। अगर मैं जेल को डायरेक्टली कट करके इसका पीस, अगर मान लीजिए ये पीस को मुझे कट करना है, कट करके निकाल दिया जेल से, इसे निकालना है, जिसे भी निकालना है, अगर हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एलूसन। तो एलूसन जेनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल पीस, ये एकदम सही स्टेटमेंट बैठता है। यहाँ पर पूछा गया है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। क्या ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं हम? क्या ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन? तो पोलियो वैक्सीन के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं। ओके ओके आप आंसर दे सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं, मैं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, मैं आपका देखूंगा, मगर आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी डी में क्वेश्चन नंबर क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, लेट आ रहा है ना फर्स्ट आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर भेजिए, देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे थे। तो यहाँ पर गोल्डन राइस जो है बायो फोर्टिफाइड विथ विटामिन B12, ये आंसर रॉन्ग हो गया। चलिए हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं। 77 नंबर में आपको मौका दूंगा, अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो नंबर दीजिए 77, और आपको बोलना पड़ेगा इसका आंसर क्या है। तो आपका क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव बीन सक्सेसफुली यूज टू प्रोड्यूसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज टू प्रोड्यूसिंग। तो आपके ऑप्शंस आ गए, पहला ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर यूजिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो ट्रांसजेनिक माइस जो टेस्ट करता है वैक्सीन बिफोर यूजिंग ह्यूमन बींग के यूज करने के पहले, या दूसरा हो गया ट्रांसजेनिक मॉडल टू स्टडी हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो बोला गया है ट्रांसजेनिक मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, जो बहुत सारे ह्यूमन जीन्स जो किस तरीके से डिजीज डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी करना। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूसिंग ह्यूमन प्रोटीन्स, ऐसे एनिमल्स बनाना जो ह्यूमन का प्रोटीन बना सकता है, या लास्ट ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुली यूज टू प्रोड्यूसिंग, तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप अगर देना चाहे तो आंसर दे सकते हैं। तो मेरे 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहोगे? सही आंसर है, ओके आपका आंसर सही है। तो यहाँ तक अभी ऑनलाइन में मुझे कोई आंसर नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं, द करेक्ट आंसर आप लोग दे चुके हैं मुझे, करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यस, हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टी सेफ्टिंग ऑफ वैक्सीन, तो हम लोग ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टी सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, जो भी हम लोग वैक्सीन बनाते हैं सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक माइस में चेक करते हैं कि वो सब कुछ सही है कि नहीं, ओके बॉडी पे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, मेमोरी सेल ठीक से बना रहा है, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल ठीक से बन रहा है कि नहीं, एंटीबॉडी बन रहा है कि नहीं, फ्यूचर में फिर से कैसे, क्या बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, ऐसी सारी स्टडी होती है। ट्रांसजेनिक मॉडल हम लोग ऐसे बहुत सारे मॉडल बोलते हैं जिसको जानबूझकर हम क्या करते हैं बीमार बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कैंसर की स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे उसको जानबूझकर उसको कैंसर करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या कैंसर करने के बाद उसका बॉडी किस तरह से इफेक्ट डालता है ये हम चेक कर सकते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। ह्यूमन प्रोटीन ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे अभी हमने पढ़ा रोजी अल्फा लैक्टो एल्बुमिन बना रहे हैं, है ना, जैसे मैंने अल्फा लैक्टो एल्बुमिन बोला, इम्फालसिमा के लिए मैंने बोला था अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, तो हम लोग जैसे रोजी के लिए बोला ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, तो ऐसे बहुत सारे ह्यूमन प्रोडक्ट हम बना सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के हेल्प से। ओके तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है 78 नंबर क्वेश्चन फिर मैं आपको देता हूँ अगर आप देना चाहे तो, द प्लाज्मिड ऑफ 78 नंबर, द प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट इज कॉल्ड। आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का प्लाज्मिड लेना है, उसको मॉडिफाई करना है इनटू क्लोनिंग वेक्टर,
तो वो ऐसा करना है कि वो पैथोजेनिक ना हो प्लांट्स के लिए। ऐसा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के पास क्या है, क्या वो आरआई प्लाज्मिड है, क्या वो टीडीएनए है, क्या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्लाज्मिड है, या सेलेक्टेबल मार्कर है? तो आपको अगर आंसर देना है तो 78 का आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ही फास्ट चाहिए मुझे आंसर, आप देना चाहेंगे? ओके, तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के पास एक टीआई प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, हम टीडीएनए बोलते हैं, टीडीएनए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हार्मफुल चीजें उसको हटा देते हैं। उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का टीआई प्लाज्मिड हम लोग क्राइजीन डाल सकते हैं, बेसिलस थुरिंजिनेसिस का क्राइजीन, हम लोग एग्रोबैक्टीरियम का नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, नीव जीन डाल सकते हैं। तो हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के लिए यूज कर सकते हैं, खुद भी जा सकता है। हम उसको जानबूझ का क्राई के साथ क्राई जीन, नीव जीन उसके टी आई प्लाज्मिड में डाल देते हैं, हार्मफुल चीज को रिमूव कर देते हैं। तो ये टी डी एन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, टी आई प्लाज्मिड होता तो हम टी आई प्लाज्मिड बोल सकते थे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देखिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो हमने पढ़ा है, कल हम PBR 322 पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाले जो इंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस को हटा के उसकी जगह अगर फॉरेन डीएनए डालेंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जब तक रहता है, अगर मान लीजिए प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसाइडेस है यहाँ पर, तब तक वो ब्लू कॉलोनी देता है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस को कट करके वहाँ फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं तो फॉरेन डीएनए अगर आ गया तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस को तो कटना पड़ेगा ना, ये कट के इसकी जगह पर डाल रहे हैं, ये ब्लू कॉलोनी देता है, इसकी जगह किसी और का इंसर्शन हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। वो ब्लू कॉलोनी नहीं देगा, व्हाइट कॉलोनी देगा, कल इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है यहाँ जो एम्पीसिलिन रेस्टेन जीन होता है, यहाँ जो टेट्रासाइक्लिन रेस्टेन जीन होता है, इसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा टी डी एन ए हो गया। तो फिर से अब मैं 79 नंबर क्वेश्चंस के साथ जाऊंगा। विच एंजाइम इज डेफिशियंट इन द क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद इम्यून डेफिशिएंसी कॉल्ड SCID, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। आज दो क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 सही है। ठीक है, सही है, और कोई आप लोग आंसर देना चाहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर एडिनोसाइन डीएमिनेज है, जिसे SCID सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसे इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, हम जीन थेरापी करके इसको तो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वेर इंसर्टेड इन मार्केटिंग ए न्यू जीएम क्रॉप यू हैव सिंथेसाइज इन इंडियन मार्केट, यू विल रिक्वायर परमिशन। आज इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, कि अगर आप कोई नया बोले जीएम क्रॉप, नया न्यू जीएम क्रॉप बनाए हैं और हमने बोला इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केट में आप डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे करीबन 30 थेरापीटिक्स वर्ल्ड में चलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले, मगर हम लोग सिर्फ इंडिया में 12 को ही अप्रूव किए हैं, 12 को, बहुत सारी चीज़ें हम परमिट नहीं करते हैं, क्योंकि एक संस्था है जो इसको चेक करती है कि इंडियन मार्केट के लिए सुटेबल है कि नहीं, है ना। ऐसे जैसे बहुत सारे ब्रेसिका, मतलब मस्टर्ड के भी बहुत सारे वैरायटी अमेरिका बहुत बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की अपने यहाँ पर, मगर हमने अभी तक उसको परमिशन नहीं दिया, क्योंकि हमारा रिसर्च अभी उसको लेके पूरा नहीं है कि कहीं हमारे लोकल यहाँ कोई पॉलिनेटर को ना नुकसान पहुँचा दे, कहीं यहाँ के जो वैरायटी है उसको ख़त्म ना कर दे। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च चलते हैं, अगर इंडियन मार्केट में चलना है तो एक अप्रूवल लेना ज़रूरी है, परमिशन लेना ज़रूरी है। तो इसका आंसर 70-80 का क्या आंसर है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। ओके, तो अभी तक आंसर नहीं आया है, तो ठीक है, तो 80 का करेक्ट आंसर हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इंडिया में कोई भी जेनेटिक रिसर्च या इसकी वैलिडिटी जो भी चीज़ें आता है, इनसे परमिशन लेना पड़ता है, ये चेक करते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं, जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक परमिशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग चल रहे हैं 81 नंबर क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो अगर आंसर देना चाहे तो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द
द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट रेडी टू मार्केटिंग एंड फिनिश प्रोडक्ट। आई थिंक हम पहला क्वेश्चन जो इसका था, हम लोग ने जो शुरुआत किया था वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। देयर प्रोसेसेस आर कलेक्टिवली नॉन, तो अगर मेरा कंप्लीशन हो गया बायोसिंथेटिक स्टेज का प्रोडक्ट को, हमको बहुत सारे प्रोसेस के बाद मार्केट में रिलीज करना है, तो मार्केट में रिलीज करने के पहले जो प्यूरिफिकेशन सेपरेशन एंड प्रिजर्वेशन का तरीका है वो आंसर आपको देना है। आपको 81 नंबर का आंसर देना है, तो क्या आप देना चाहेंगे? ओके, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो हम लोग बोलते हैं, ये एक प्यूरिफिकेशन का तरीका है, सेपरेशन का तरीका। देखिए, जब भी कोई बायो रिएक्टर है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स मेरा डिजायरेबल जीन्स का प्रोडक्ट तो बना रहा है, मगर उसके पास कितने जीन है, वो भी तो वो प्रोटीन बनाएगा। उसके सेल कितना सारे, जिसके पास कितने जीन है, कितने प्रोडक्ट है, मगर मुझे अपना डिजायरेबल प्रोटीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे एक तरीके से उसको सेपरेशन करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, सेपरेशन प्यूरीफिकेशन प्रिजर्वेशन करते हैं। ये तरीका को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मार्केट में जाने के पहले ये तरीका करना पड़ता है। तो हमारा आंसर हो गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, रिड्यूस हर्बिसाइड्स एक्युमुलेशन इन द फूड आर्टिकल फॉर हेल्थ सेफ्टी, एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। 82 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि अगर आपको हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, कैसे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन का। क्या आप इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स को इनकरेज करना चाहते हैं, इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, या रिड्यूस करना चाहते हैं हर्बिसाइड्स एक्यूमुलेशन, जो फूड आर्टिकल है उसमें हर्बिसाइड एक्यूमुलेट ना करें, ओके, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि ह्यूमन की हेल्थ सेफ्टी के रिलेटेड हो, या आप वीड को एलिमिनेट करना चाहते हैं फील्ड से मगर मैनुअल लेबर नहीं देना चाहते हैं, या आप एलिमिनेट करना चाहते हैं वीड्स को फील्ड विदाउट द यूज ऑफ, बिना हर्बिसाइड्स को यूज किए, बिना हर्बिसाइड्स को यूज किए। तो इसका आंसर 82 का कोई देना चाहे तो दे सकता है, ओके। तो इसका आंसर, आपका आंसर सही है, ओके। ये ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस हर्बिसाइड्स एक्यूमुलेशन, फूड आर्टिकल में हर्बिसाइड्स एक्यूमुलेट ना करें, इसको रिड्यूस करना है, एंड फॉर हेल्थ सेफ्टी। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्थ सेफ्टी को लेकर, हेल्थ सेफ्टी को लेकर, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी को लेकर यहाँ हमें हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम बना रहे हैं जिसमें हर्बिसाइड एक्यूमुलेट ना करे फूड में, है ना, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ कि हर्बिसाइड एक्यूमुलेट कर सकता है तो इसको कम करने के लिए हम लोग ऐसा हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीएम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 83, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीन थेरापी इज करेक्ट, जीन थेरापी इज करेक्ट। तो पहला बोला गया है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो हम लोग जीन थेरापी में क्या बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या डिफेक्टिव जीन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं एक नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करके, तो ताकि हम हेल्दी एंड फंक्शनल जीन बना सकें, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा बोला गया एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें इन्वेस्टिगेटेड जीन थेरापी करते हैं, रेंज कुछ भी हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऐसा कोई भी डिसऑर्डर है, क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या जेनेटिक डिजीज को हम इन्वेस्टिगेट करके उसको जीन थेरापी करके क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया या सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्या द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड थी जो डी एडिनोसाइन डीएमएनएच का प्रॉब्लम चल रहा था और उसके हमने ठीक किया, क्या आंसर है सर? करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। तो ये जो आंसर है बायोटेक्नोलॉजी डिफेक्टिव जीन इज मैनिपुलेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नॉर्मल हेल्दी एंड फंक्शनल जीन, यस, हम जीन थेरापी में नॉर्मल फंक्शनल हेल्दी जीन्स डालते हैं, रिप्लेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। हम लोग सिकल सेल एनीमिया या इम्यूनोडेविया SCID जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर को भी ठीक कर सकते हैं, और ये सबसे पहला फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरापी 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड जो एडिनोसाइन डीएमएनएच की डिफिशेंसी थी उसके ऊपर सबसे पहले किया गया था। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमुलिन। देखिए ह्यूमुलिन होता है ह्यूमन इंसुलिन। इन द ईयर 1983 में कौन सी कंपनी थी, क्या आप देना चाहोगे आंसर? रॉन्ग। एली लिली बोल के कंपनी थी, एली लिली। उन्होंने एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया अल्फा चेन, ए चेन और बी चेन ऑफ इंसुलिन। ए चेन बी चेन जो 21 एमिनो एसिड 30 एमिनो एसिड का आर्टिफिशियली बनाया, बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों को जोड़ दिया, इंसुलिन बन गया। ये कंपनी एली लिली थी जिन्होंने ह्यूमन इंसुलिन बनाया था सबसे पहले। ड्यूरिंग द प्रोसेस जो प्रो इंसुलिन से मेच्योर इंसुलिन, देखिए जो प्रो इंसुलिन में 35 एमिनो एसिड का सी पेप्टाइड होता है, ओके 35 एमिनो एसिड का एक सी पेप्टाइड होता है। तो बोला गया है कि अगर प्रोसेसिंग करना है मेच्योर प्रो इंसुलिन इंटू मेच्योर इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन का अब जानते हैं एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड है ना, तो अगर हमें इंसुलिन बनाना है तो क्या करेंगे हम, हमें सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ेगा, हमें सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ेगा प्रो इंसुलिन से, तभी एक मेच्योर इंसुलिन बन सकता है ना। क्योंकि यहाँ पर अमाइनो एसिड और भी है, जैसे ए चेन होता है 21, बी चेन होता है 30, तो ये इसके अलावा इस सी पेप्टाइड को हटाना पड़ता है, 4 अमाइनो एसिड का नुकसान भी होता है। बाद में देखते हैं कि सिर्फ सी 31 अमाइनो एसिड का ही बचता है, और ए 21, बी भी 21, 30 अमाइनो एसिड का, 51 अमाइनो एसिड का ए और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा नजर आता है, मगर हमें सी पेप्टाइड को रिमूव करना पड़ेगा। ओके हमारा आंसर बॉम्बे सही है। तो इंसुलिन क्या है, एक स्टेरॉयड हार्मोन है, क्या ये पेप्टाइड हार्मोन है, क्या एमाइन हार्मोन है, या नन ऑफ द अबव, क्या आंसर है? यस सही है, ये पेप्टाइड हार्मोन क्या है, ये बहुत सारा एमाइन एसिड, जैसे अभी मैंने बोला कि इंसुलिन ये 51 एमाइनो एसिड से बना हुआ है, 51 एमाइनो एसिड, तो एमाइनो एसिड के बीच में क्या रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे आप जानते हो ये अगर एक अमाइनो एसिड है, ये अगर अमाइनो एसिड है, ठीक है, एक आर वन आर ग्रुप में होता है, यहाँ पर मैं और एक अमाइनो एसिड दे देता हूँ, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। होता क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं और दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं, तो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये हो गया पेप्टाइड हार्मोन, अमाइनो एसिड का चेन को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ओके स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, जैसे एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। ओके हमारा इंसुलिन कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई अमाइन नहीं है, नन ऑफ द अबव, पेप्टाइड हार्मोन हमारा मैच कर चुका है। आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर कल भी 2-3 एमसीक्यू हुआ, आज भी आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर हम लोग आज डिस्कस कर चुके थे। आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस करता है स्पेसिफिक एमआरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये किस तरह का सेलुलर डिफेंस का तरीका है, किस में, सही है कि ये बैक्टीरिया में सेलुलर डिफेंस का तरीका नहीं है, ये वायरस में भी सेलुलर डिफेंस का नहीं है, ऑल यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ओनली, मोनोकोट्स गलत, हमें यूकैरियोट्स में एक डिफेंसिव तरीका हम लोग बोलेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए साइलेंसिंग, ओके एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, हमारा आंसर आ चुका है। ओके फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट किसमें किए थे, पोटेटो में, टोमेटो में, टोबेको या मेज, सही है। तो हमारा फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जो था वो था टोबेको, सबसे पहले टोबेको हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक बोलेंगे। जेनेटिक डिफेक्ट इन विच एडिनोसाइन डीएमएनएज डेफिशिएंसी जो हो रहा है, जेनेटिक डिफेक्ट जो बोला गया है एडिनोसाइन डीएमएनएज, तो हम लोग ने आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इसके ऊपर, क्या आंसर? ओके तो करेक्ट आंसर है जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसाइन डीएमएनएज, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, SCID, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, तो ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस, पहला बोला एक नेमाटोड है मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा जो इन्फेस्ट जो रूट ऑफ टोबेको प्लांट को अफेक्ट करता है, जिससे बचने के लिए हम लोग आर एन ए इंटरफेरेंस क्या तरीका अपना सकते हैं, क्या बीटी कॉटन के लिए, क्या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, या ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस। ओके
तो ये सही है कि हम लोग नेमाटोड जो मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा बोल रहे हैं, जो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स को खा जाते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग ये आरएनए इंटरफेरेंस तरीका अपना सकते हैं। ओके, बीटी कॉटन के लिए हमको वो क्राइजीन क्राई प्रोटीन वाली बात करनी पड़ेगी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो ये तो मान लीजिए हेपेटाइटिस बी वायरस से ह्यूमन को बचा रहा है। ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस, तो इससे हम लोग बहुत सारे से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बना सकते हैं। तो ये हम लोग का आंसर नहीं, हमारा आंसर पहले ही मैच कर चुका है। हीरोडीन बोल के एक सब्सटेंस होता है, हीरोडीन, जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। मतलब ब्लड, हम लोग बोलते हैं कि ब्लड क्या होता है कि जैसे ब्लड को क्लॉट ना होने दे, तो ऐसा ब्रेसिका नेपस बोल के एक बोलते हैं मस्टर्ड है, इसमें ये बनाते हैं। तो हमारा आंसर इससे नहीं, हमारा आंसर जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टली, हम लोग यहाँ पर जो बोला है आर एन इंटरफेरेंस ये याद करेंगे। यहाँ पर बोला नेमाटोड स्पेसिफिक जीन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय जीन साइलेंसिंग मेथड, सही है? ओके, तो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय जीन साइलेंसिंग मेथड, ये सही है। एग्रोबैक्टीरियम प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्या कहना है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई भी हर एक प्लांट्स या हर एक प्लांट्स के पास कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है। जैसे आप टर्मेरिक में जानते हो कुरकुमीन बोल के सब्सटेंस होता है, या आप जानते हो कैथेरेंथस रोसियस, उसमें भिन क्रिस्टीन भिन ब्लास्टिन बोल के सब्सटेंस होता है। हर एक प्लांट में कुछ यूनिक होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और जैसे कार्बोहाइड्रेट के का प्रोटीन फैट्स मिलते जुलते हर एनिमल प्लांट्स में मिलता है, तो इसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ हटके कुछ अलग, ओके, जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्या बोला गया, एग्रोबैक्टीरियम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाता है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस नहीं बनाता है। हाँ, हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, हम लोग ट्रांसजेनिक एग्रोबैक्टीरियम को क्राइजीन या नीव जीन डाल के उसको हम लोग जेनेटिकली हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं उसके प्लाज्मिड को। उसके बाद वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस जब प्लांट्स के अंदर जाएगा तो वो थोड़ा सा नया जीन को इंट्रोड्यूस कर सकता है, मगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल नहीं देंगे। ये रॉन्ग हो गया, और एसेंशन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा सी, बोथ असेंशन रीजन आर इनकरेक्ट, और नहीं, बोथ असेंशन असेंशन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। पीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्या बोलते हो? करेक्ट है, क्यों? क्योंकि क्राई वन ए सी आज पढ़ा है ना, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, क्राई वन ए सी, ऐसे बहुत सारे है जो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। पीटी टॉक्सिन कोडेड बाय जीन नेम क्राई, क्यों? बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन का नाम है क्राई है, क्राई तो सही है ना, क्राई जीन, क्राई प्रोटीन, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, ये तो सही है। तो ये दोनों आंसर सही हो गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, मगर क्या है? ये बोला गया है बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ करेक्ट है, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, तो हमारा आंसर ही हो गया, मगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन यूज फॉर केमिकल और टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो यूज होता है केमिकल या टेस्टी टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, क्या कहना है? सही है, ठीक। तो हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करेंगे केमिकल एंड टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। बहुत सारे हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंस को डाल कर देखना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव एनिमल को बनाएंगे, फिर टॉक्सिसिटी टेस्ट करेंगे, क्या सब कुछ सही है, क्या क्या बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, क्या कोई केमिकल को सेफ्टी टेस्टिंग कर सकते हैं, सही है। रीजन ये बोला है, द प्रोसीजर ऑफ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग इज द सेम एज दैट यूज टॉक्सिसिटी, जैसे हम लोग ड्रग की टेस्टिंग करते हैं वैसे ही है, करेक्ट है, सही बात है आपका। तो हम ये बोल सकते हैं द प्रोसीजर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग सेम है जैसे हम लोग ड्रग्स की करते हैं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, मगर ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों इंडिविजुअली राइट है, मगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग चलते हैं बॉम्बे के साथ। पीटी कॉटन, पीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज एज प्रोटॉक्सिन्स, तो प्लांट टिश्यूज में प्रोटॉक्सिन डालते हैं और वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है, उसके लिए कंडीशन बोला गया आपको एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्सन फैक्टर इंसेक्ट गट। ओके, अगर आप आंसर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, मगर आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ेगा 94,
अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आपको 94 नंबर करके आपको आंसर देना पड़ेगा कि बीटी टॉक्सिन जो है, बीटी कॉटन में जो बीटी टॉक्सिन जो है उसको प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप अगर आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। 94 का आंसर नहीं, अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। तो आपका आंसर ओके सही है, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, तो ये सही है। एल्कलाइन पीएच पे जाके ये जो प्रोटॉक्सिन है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके तो ये आंसर सही है, ठीक है। एल्कलाइन पीएच गट पे, मीट गट में जाके हो जाता है। तो 95 इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंस यूजिंग, तो आरएनए इंटरफेरेंस फिर से बोलता हूँ 95, ओके 95 आरएनए इंटरफेरेंस जीन्स आर साइलेंस, क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके देखते हैं किसी का आंसर आता है क्या। नहीं, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। ओके चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। आप लोग के जो आंसर है वो सही है कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से हम लोग क्या कर सकते हैं, एमआरएनए, जो एमआरएनए है उसको हम लोग उसके कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कर सकते हैं, आरएनए को साइलेंट कर सकते हैं, है ना। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए साइलेंसिंग, एंटीसेंस, वो भी सेंस है आरएनए उसका, एंटीसेंस से उसको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर है 96, मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट इंसेक्ट। तो ज्यादा तो जो बीटी टॉक्सिन होता है बोला गया नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट इंसेक्ट ग्रुप, ठीक है। दूसरा बोला गया है बीटी टॉक्सिन जीन इज कोडेड विद एंजाइम क्राई। तीसरा बोला गया है जीन क्राई वन ए सी जो होता है, क्राई टू ए बी जो होता है वो कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को। लास्ट कहा गया है कि क्राई वन ए बी जो होता है जीन फॉर्म्स पेप्टाइड फॉर कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो आपके पास चार स्टेटमेंट है, इसमें से जो भी रॉन्ग होता है आप बोल सकते हो। 96 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, नहीं अभी तक किसी का आंसर नहीं है। 96 कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर नॉन स्पेसिफिक अगेंस्ट इंसेक्ट ग्रुप, नॉन स्पेसिफिक नहीं, ये होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन होता है स्पेसिफिक अगेंस्ट इंसेक्ट ग्रुप, स्पेसिफिक होता है इंसेक्ट ग्रुप, तो ये रॉन्ग हो गया। बीटी टॉक्सिन जो होता है वो क्राइजीन, एकदम सही है क्राइजीन। क्राई वन ए सी आज ही बताया था, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए भी प्रोटीन कोड करता है कॉटन बॉलवर्म को, तो ये स्टेटमेंट सही है कॉटन बॉलवर्म को। क्राई वन ए बी जीन फॉर्म करता है प्रोटीन डेट कंट्रोल कॉर्न बोरर, तो वन ए बी, तो ये कंट्रोल याद है आज मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, वन के लिए ए के लिए वन और बी के लिए टू, तो टोटल हो गया फोर। फोर हमने पढ़ा था कॉर्न बोरर के लिए, और ये पढ़ा था हमने वन प्लस थ्री, फाइव आता है इसके लिए हमने बोला था कॉटन, या यहाँ पर टू प्लस वन प्लस टू फाइव, इसके लिए भी हमने बोला था कॉटन। इस तरह से कभी भी गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी सही है। फिर पूछा गया गोल्डन राइस इन रिच, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गोल्डन राइस के ऊपर। बीटा कैरोटीन, लाइसिन, विटामिन सी, आयरन, 97 क्या आंसर। ओके तो गोल्डन राइस एनरिच बीटा कैरोटीन ए, विटामिन ए के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो कौन सा टेक्निक हम लोग यूज नहीं करते हैं। इको आर1 कट करता आइसोलेटेड जीनोम, डीएनए लाइगेज, डीएनए एंड राइबो न्यूक्लियस टू रिमूव डीएनए एंड आरएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। बोलिए क्यों, बोलिए। हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टेक्निक नॉट यूज इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्यों क्यों। ये रिमूव करता है मगर जानते हो क्या है,
हमें क्वेश्चन पूछा गया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं यूज है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में अगर हम डीएनए आरएनए डीएनए को ही कट कर देंगे, डीएनए को डाइजेस्ट कर देंगे तो कैसे होगा? हम डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देखो हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर देंगे, लाइगेज से जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे आपका आंसर सही था कि डीएनए जो होता है डीएनए को डाइजेस्ट करता है, मगर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इसको यूज नहीं करेंगे। अगर इसको यूज कर लिए, रिमूव कर दिए, तो हम किसका, हमको तो जोड़ना है ना, डीएनए को अलग करना है, आरएनए को अलग करके डीएनए को अलग करना है, फिर प्लाज्मिड का, फिर फॉरेन डीएनए का, दोनों को जोड़ना है। तो हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज को, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, इको आर1 को कट करेंगे आइसोलेटेड जीनोम को अलग करने के लिए, डीएनए लाइगेज जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों को सेपरेशन करने के लिए डीएनए को हम लोग यूज करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। मगर हमसे पूछा गया था नॉट यूज, तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो गया चेन्नई, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, बोला गया है मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, करीबन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जिसे 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हम आइसोलेट कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? सही है, राइट है। पूछा गया है कि 1963 में दो इंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज आइसोलेट किया गया, ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है। बोला गया है सम की टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, पॉलीमरेज इंजाइम, लाइगेज वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमें कुछ की टूल चाहिए, कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए, कुछ हमें रेस्ट्रिक्शन इंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज इंजाइम चाहिए, लाइगेज वेक्टर, यस राइट है या रॉन्ग? इको आर वन कट द डीएनए बिटवीन ए एंड टी ओनली व्हेन टी ए टी टी सी सीक्वेंस है। तो क्या लगता है क्यों नहीं कट कहां करता है? क्या ए और टी के बीच में कट करेगा, यहां कट करेगा, करेगा नहीं। इको आर वन में कट होता है, इसके ऊपर एमसीक्यू हमने सॉल्व किया है, जी और ए के बीच में यहाँ कट होता है, जी और ए के बीच में यहाँ, यहाँ पर नहीं कट होता है। तो हमारा जी और ए के बीच में कट होगा, इसलिए यहाँ पर ए और टी के जगह जी एंड ए के बीच में कट करेंगे, तो हमारा जी ए टी टी सी में यहाँ पर, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ठीक है, ये रॉन्ग होता है, इसलिए ये करेक्ट है। हाँ, हम लोग बोलेंगे कि ये सारे टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, पॉलीमरेज इंजाइम, लाइगेज वेक्टर, ये सब यूज करते हैं टूल्स। हम 1963 में दो इंजाइम किए थे रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज आइसोलेटेड। देखिए, एक इंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दूसरा का नाम था मिथाइल ट्रांसफरेज। ये दो इंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमने दो इंजाइम को आइसोलेट किया था, और इसके पहले भी था करीबन 900 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हम लोग, करीबन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से हम लोग ने 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अभी तक ऑब्टेन कर चुके हैं, ठीक है। ये भी राइट था, हमारा आंसर तो ऑलरेडी मैच कर चुका है। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर एज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट टू कीप द कल्चर इन्फेक्शन फ्री। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर, यस, जैसे हम लोग PBR322 में ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन PBR322 में यूज करते हैं, या कोई भी नेचुरली कोई बैक्टीरिया में ऐसा नहीं मिलता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं मिलता है, हम लोग जानबूझ का ऐसा एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन के नाम आइसिन के अलग अलग हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन चाहिए, इसलिए हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। क्या हम हेल्दी वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं? नहीं, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन, सीक्वेंस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ओरी साइड से, ओरिजिन साइड से,
कीप कल्चर, इन्फेक्शन फ्री, ऐसा नहीं है। हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आज का एमसीक्यू यही खत्म होता है। बाय बाय एवरीवन, ठीक है। चलो 97 का आपने बी अल्फा कैरोटीन बोला, बीटा कैरोटीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है आर्यन। चलिए बाय बाय। अरे हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह कोई शेयर नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है। आज का क्लास यहीं ख़त्म हो रहा है। बाय बाय, चलो बाय।